साथियों नमस्कार, कोटा ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ये आपका दोस्त मुकेश नागर हमेशा आपके साथ तैयार खड़ा है। साथियों आज हम लोगों ने जो है करीबन 26 जो क्वेश्चन है रीड के अंदर लेवल वन और लेवल टू, इन 26 क्वेश्चन के विद प्रूफ आज हम लोग जो है आपत्ति दर्ज करवा रहे हैं। तो बड़ी खुशी की बात है साथियों, मैं कल यानी कि आज इवनिंग में साथियों मैं आपको वो बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन पर हम कौन कौन से सब्जेक्ट में आपत्ति दर्ज हम लोगों ने करवा दी है। साथियों लेवल वन के अंदर भी मैं वो क्वेश्चन बता रहा हूं और आप निश्चित रहिए जो शाम यानी कि इवनिंग में जो आप वीडियो देखोगे 4 से 5 उसमें मैं आपको सारी कुछ डिटेल दे दूंगा साथियों कि ये इस क्वेश्चन पर हम लोगों ने लेवल वन में आपत्ति दर्ज करिए और लेवल टू में इसी सब्जेक्ट में लेवल टू के अंदर जो है इसी सब्जेक्ट में इसी क्वेश्चन में हमने आपत्ति दर्ज कर दिए साथियों। साथियों आपका प्यार अगर बना हुआ है ना तो फिर हमें कोई भी नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। साथियों आप ही हमारी जान हो, आप ही हमारी शान हो। साथियों आप हिम्मत रखिए, मोटिवेट रहिए दिल से। अरे करने दो इनको, अरे जो कर्मचारी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है साथियों एक भी क्वेश्चन गलत नहीं माना। आप बताइए इनको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं लगा किसी भी पेपर के अंदर। आप बताइए इन्होंने एक भी क्वेश्चन को, एक भी प्रश्न को गलत नहीं माना, गलत नहीं माना। साथियों आप बताओ एक भी क्वेश्चन क्या इनको गलत नहीं लगा। और 100 रुपीज पीस रख रहे हैं। आप देखिए जब एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है तो आप यार ये तो सोचिए ना, कम से कम एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है किसी भी पेपर के अंदर, कितनी गलत बात है ना। मतलब पैसा कैसे कमाया जाता है, पैसा कैसे किया जाता है इकट्ठा, ये तरीका जबरदस्त है साथियों। ये मेरा ओपिनियन है साथियों। मतलब आप देखिए आपने एक तो ये दे दिया कि मास्टर पेपर से आप मिलाइए। अरे बहुत से बंदे तो मिलाना ही नहीं समझ रहे भैया, उनको आंसर की मिलाना ही नहीं आ रहा, उनके नंबर ही उल्टे पुल्टे हो रहे। आधे स्टूडेंट तो इस टेंशन में जी रहे हैं कि मेरे इतने नंबर क्यों कम हो गए। बड़ी समस्या है, बड़ी मुश्किल से वो एक दूसरे से पूछ करके फिर वो मिला रहा है। आप सोचिए कि 100 रुपीज जाएंगे, कितने सारे स्टूडेंट इस पर लगाएंगे रिट, कितने सारे स्टूडेंट इस आपत्ति दर्ज करवाएंगे साथियों। मतलब यार गजब की बात हो गई। और एक चीज एक तरफ अभी अभी जो है सेकंड ग्रेड की आंसर की जारी हुई है, मतलब आज आंसर की सेकंड ग्रेड की जारी हुई, उसमें भी 100 रुपीज वन क्वेश्चन चार्जेस उन्होंने रखा है। लेकिन चलो ठीक है, इन्होंने भी मास्टर पेपर ही दिया, मास्टर पेपर से मिलाइए। अरे आपने जितने सेट दिए हैं वो सेट डाल दो ना यार, और उसके बाद में आंसर के डाल दो, सब मिला लेंगे। मतलब नहीं साहब, आप हमारे मास्टर की से मिलाइए, मास्टर सेट से मिलाइए और अब उसमें ढूंढते रहो कौन सा क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, कौन सा क्वेश्चन कहाँ मिलेगा। फिर 2-4 क्वेश्चन उल्टे सुलटे हो जाएंगे और कहेंगे कि यार हमारे तो इतनी परसेंटेज बन रही है। ये बहुत बड़ी समस्या में, बहुत बड़ी परेशानी में स्टूडेंट पढ़ चुका है साथियों। और ये परेशानी इतनी जबरदस्त है कि मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। अब साथियों आपको अपने आप को जो मोटिवेट रखना है, अपने आप को जो चार्जेबल रखना है, मतलब इधर से रीट की भी लेवल वन की और लेवल टू के आंसर की आ चुकी है, इधर भी सेकंड ग्रेड की आंसर की आ चुकी है, SST इंग्लिश संस्कृत और हिंदी इन सब्जेक्ट की सेकंड ग्रेड की भी आंसर की आ गई और इधर से लेवल टू की भी आंसर की आ गई है। अब इस कंडीशन में साथियों मैं आपको बता दूं, हौसला रखिए आप, उस बाज की तरह रहिए कि कितने भी दूर तक मैं जाऊंगा लेकिन हौसला मेरा टूटेगा नहीं। साथियों आपको भी हौसला रखना है, चाहे इनमें दोनों में कैसे भी आंसर रहे हो, कैसे भी नंबर रहे हो साथियों, घबराना आपको नहीं है। अरे मैं आपको बता दूं साथियों एक बात मैं पहले भी करता था कि अभी बहुत सारी वैकेंसी जा रही है, मैंने पहले भी बताया था आपको, अगर किसी भाई के बहन के किसी सिस्टर के अगर मार्क्स कम भी हो रहे हैं तो घबराना नहीं है, मोटिवेट रहना है, जीवन में बहुत संघर्ष करना है, जीवन में बहुत संघर्ष के साथ हमें जीना है। जब संघर्ष करना है, मेहनत करना है, चाहे भगवान कितनी भी परीक्षाएं लें लेकिन हम घबराएंगे नहीं। तो इसलिए साथियों एक बात याद रखना कि जीवन में घबराने की बात तो हमारे अंदर आनी ही नहीं चाहिए। तो ये दोनों चीजें बैलेंस कैसे करनी है आपको, ये बस इसी के लिए आज मैं आप लोगों के सामने आया हूं और यही बताने के लिए कि घबराने वाली कोई भी बात नहीं है, चाहे इन दोनों में कुछ भी रहा हो, कैसा भी रहा हो, लेकिन मतलब मोटिवेट अपने आप को रखिएगा,
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को तो कुछ मतलब ही नहीं है, एक भी क्वेश्चन उसका गलत नहीं है और इन्होंने जरूर थोड़ा सा बैलेंस बना करके दिया है। हमारे राजस्थान जो लोक सेवा आयोग है उन्होंने थोड़े से स्टार लगा करके दिए कुछ कुछ क्वेश्चन पर। स्टार का मतलब है साथियों, जो स्टार लगा कर दिए है इस क्वेश्चन का मतलब है डिलीट होना। इसका मतलब क्या है, ये डिलीट होने वाली बात है साथियों। जो डिलीट होने वाली बात है, डिलीट होने वाली जो क्वेश्चन है वो इन्होंने बताया है। तो साथियों एक बात याद रखना कि जीवन हमेशा अच्छे के लिए होता है और उसे अच्छे के लिए ही रखना। एक बात मैं आपको ये बात 100% मान लेना मेरी कि ये जो रीट वाला जो पेपर था एक मेटा जय रहा और इसमें बहुत सारे पेपर बिके इधर उधर हुए। अब भगवान जाने कैसे क्या रहेगा, लेकिन अपने आप को बैलेंस रख करके आगे की तैयारी में झोंक दीजिए और आगे की तैयारी कीजिए। जिस बहन के, जिस भाई के, जिसमें भी सिलेक्शन हो रहा हो, चाहे इधर रीट में हो रहा हो, चाहे इधर फर्स्ट ग्रेड में हो रहा हो, जिनके अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, प्लीज आप अपनी तैयारी को अंजाम दीजिए, अभी छोड़िए मत। फाइनल सिलेक्शन होने तक, और फाइनल सिलेक्शन हो जाए, सेकंड ग्रेड में हो जाए, तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना शुरू कर देना, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के अंदर बहुत सारी सीटें हैं और फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन कराना बहुत ही आसान है। और जिस भाई बहन का अगर सेकंड इसमें रीट लेवल में हो जाए तो उसे सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर शुरू कर देनी चाहिए। जहां पर भी जैसे भी वो एलिजिबल हो वैसा काम उसको करना चाहिए। लेकिन एक प्रॉमिस मेरे से आप करोगे कि सर हम मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे, लेकिन हिम्मत नहीं हारेंगे। साथियों एक बात आप मुझे इसमें कमेंट बॉक्स में करके लिखोगे कि सर हम मेहनत करेंगे, हिम्मत कर रखेंगे और कभी भी हिम्मत नहीं हारेंगे, चाहे परीक्षाएं इंसान की भगवान कितनी भी ले लें। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो साथियों आपके सेकंड ग्रेड में कितने बन रहे हैं और इधर लेवल रीट सेकंड में या फर्स्ट में कितने मार्क्स बन रहे हैं। साथियों एक बात आप ध्यान रखिएगा, अगर आपके सेकंड ग्रेड में कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि इसमें आपत्ति लगानी चाहिए, ये क्वेश्चन भी गलत है, तो आप मुझे लिख करके भेजिए साथियों, मैं खुद उसके लिए ऊपर एक्शन ले रहा हूं। हम लोग चार बंदे इसके लिए लगे हुए हैं कि यार इन क्वेश्चन पर जो बच्चे भेज रहे हैं उन क्वेश्चन के सोर्स निकाल करके इसके ऊपर आपत्ति लगाई जाए। करीबन हम लोगों ने यहां पर तो आपत्ति के लिए पूरे 27 क्वेश्चन दर्ज कर लिए हैं और वो क्वेश्चन के ऊपर आपत्ति हम लोग लगा रहे हैं। आज इवनिंग में आप लोगों को इसके बारे में सूचना दे दी जाएगी। सेकंड ग्रेड के अभी 2-3 दिन लगेंगे साथियों, 24 तारीख तक की बात है। हम लोग इस पे जो है 23 तारीख को इवनिंग में इसके ऊपर आपत्ति लगाएंगे, जितने क्वेश्चन भी हमारे पास आते हैं। तो निश्चिंत रहिए और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए साथियों, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।